हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा गाइज इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर ट्वेल्व है ये एंड uh, इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हमने करने हैं वो तो मैं अभी आपको शो कर दूंगा बट बेसिकली uh, जो मेन थीम है इस पर्टिकुलर लेक्चर का इसके अंदर ना हम इकनॉमिक सर्वे के अंदर जो आपका लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो इकोनॉमिक सर्वे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो इस लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस की हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो इसी वजह से इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी उसके अंदर पॉइंट्स की बनते वो हमने डिस्कस यहाँ पर किया इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर मैंने पहले भी आपको करंट अफेयर्स के अंदर लेक्चर दिया है वो बेसिकली एक जनरल लेक्चर था जिसके अंदर हमने जनरल जो क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक सर्वे में वो डिस्कस किए थे कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट्स भी वहाँ पर आए थे बट दिस इज लेक्चर दैट इज रिलेटेड स्पेसिफिकली टू इंश्योरेंस ठीक है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कवर करेंगे जैसे पेंशन सेक्टर लेबर रिलेटेड ठीक है Uh, साथ ही साथ इंश्योरेंस में फिर हम बजट के अंदर भी देखेंगे क्या क्या था इस लेक्चर में नहीं इन द अपकमिंग लेक्चर ओके तो मेन टारगेट यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में जो इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना है उसके बाद जो भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ये यह यहाँ पर एग्रीकल्चर आपको शो हो रहा है ना जैसे वैसे ही आपके ए के भी पीडीएफ फाइल्स हैं जो ये यूट्यूब के ए पी के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनको आप जरूर एक्सप्लोर करें साथ ही साथ आपका एक एम कोर्स है अगेन यहाँ पर आपको नबार्ड ए दिख रहा है बट एक आपका यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एमसीक्यू कोर्स है जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो उस कॉम्बो कोर्स के अंदर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप इन सब के एमसीक्यूज मिलते हैं काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हैं एंड आफ्टर यूजिंग दिस कोड UPSC, EPFO, ये सेम कोड यूज़ करके आपको उस ऑफ आप भी मिल जाएगा काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है लास्ट वन मंथ के लिए तो काफी ज्यादा काम आने वाला कोर्स है एंड अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी टॉपिक्स जो दोस्तों हमने इसमें डिस्कस करने हैं बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे में से हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं डेवलपमेंट इन इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे इंश्योरेंस का क्या ग्रोथ वगैरह रहा जो हाईलाइट किया गया है, वो देखेंगे इंडियन इंश्योरेंस मार्केट देखेंगे उसके बाद गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स एंड प्रोग्रेस जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हाईलाइटेड थी एफ का क्या सीन है इंश्योरेंस में इंडिया में और आई के कुछ इनिशियटिव फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री के अंदर जो हाईलाइट हुए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वो हम यहाँ पर देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहेगा सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस मार्केट की तो देखो जी इंटरनेशनली तो इंश्योरेंस सेक्टर की जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं ना इंटरनेशनल सिनेरियो में हम देखते हैं कि यार इंश्योरेंस सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया तो दो पैरामीटर्स के ऊपर दो पैरामीटर्स के ऊपर इंश्योरेंस सेक्टर को एसेस किया जाता है एक होता है आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बेसिकली क्या होता है रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल सौ रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है पूरे देश के अंदर ठीक है और जो उस देश की जीडीपी है फॉर एग्जाम्पल देश की जीडीपी हजार रुपए है ठीक है तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो उससे हमारा जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन निकल जाता है आप इसको परसेंटेज टर्म्स में भी निकाल सकते हो दूसरी होती है इंश्योरेंस डेंसिटी इंश्योरेंस डेंसिटी को आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा ठीक है कि पर पर्सन एक तरीके से इन कंटेक्स्ट की पर पर्सन कितनी प्रीमियम पे कर रहा है तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जितनी टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रही है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जैसे हम न, निकालते हैं ना पर कैपिटा इनकम निकालते हैं कि भाई जितनी टोटल नेशनल इनकम है देश की उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो वैसे ही जितनी टोटल प्रीमियम है अब फॉर एग्जाम्पल एक देश के अंदर मैंने कहा कि भाई सौ रुपये टोटल प्रीमियम पे हो रही है फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर पॉपुलेशन भी सौ रुपये है तो पर कैपिटा प्रीमियम या इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी होगी एक रुपये की होगी ठीक है तो इस बेसिस पे हम बेसिकली देखते हैं इंश्योरेंस की परफॉर्मेंस को देखते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी तो पेनिट्रेशन और डेंसिटी दोनों के फॉर्मुला याद होने चाहिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू जी और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन ध्यान में रखना कंफ्यूज नहीं होना इसमें से वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड भी ठीक है और यूएस डॉलर्स में जनरली ये ग्लोबली हम मेजर करते हैं एंड उससे एक आइडिया लग जाता है हमें कि पेनिट्रेशन और डेंसिटी से कि क्या ग्रोथ हुई है 2021 के अंदर अगर हम देखें तो जो ग्लोबल इंश्योरेंस प्रीमियम्स थी यानी कि जो बेसिकली ग्लोबली इंश्योरेंस प्रीमियम्स लोग पे कर रहे हैं उसमें 3.4 परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला रियल टर्म्स में यानी कि 3.4 इंक्रीज आया ग्लोबल इंश्योरेंस प्रीमियम्स के अंदर और इन ग्लोबल इंश्योरेंस अब देखो इंश्योरेंस तो आपको पता ही है इतना तो अभी तक आप समझ चुके जनरली हम दो में इसको डिवाइड कर देते हैं लाइफ लाइफ और नॉन ठीक है तो जो जनरल था यानी कि टोटल लाइफ प्लस नॉन लाइफ उसमें थ्री पॉइंट फोर का इंक्रीज था और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर टू पॉइंट सिक्स परसेंट की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली और ये ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि मेन इसका रीजन था रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा नहीं था कि और, लोगों ने और ज्यादा इंश्योरेंस लेनी शुरू की वन ऑफ द रीजन हाईलाइटेड वॉज कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो रेट्स थे उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला एंड रेट्स क्योंकि इंक्रीज हुए डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल एवरेज के अंदर आपको फर्क देखने को मिला ठीक है लेकिन चाइना का भी एक पॉइंट यहां पर हाईलाइटेड है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट है उसके अंदर जो नॉन लाइफ प्रीमियम था ना बेसिकली अमाउंट था, था उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला यानी कि कम हो गया और कम होने का रीजन था डी टेरिफिकेशन डी टेरिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है अब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये जब कोई एक्सप्लेन होता है ना तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटेरीफिकेशन बेसिकली होता है देखो वैसे क्या होता है जनरली ना सरकार एक स्ट्रक्चर सेट कर देती है कि भाई आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ये पर्टिकुलर पॉलिसी की मिनिमम मैक्सिमम इतनी रखनी है या उस टाइप का स्ट्रक्चर डी में ना सरकार पूरे तरीके से कंपनीज के ऊपर छोड़ देती है कि आप अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम सेट कर सकते हो और उस इंश्योरेंस प्रीमियम को सेट करने में हर कंपनी ये देखेगी सिर्फ ये नहीं देखती कि अल्टीमेटली जो यूजर है उसका क्या रिस्क है वो अपने अंदर भी झांक करके देखेगी कि यार हमारी कैपेसिटी क्या है ठीक है हमारी पेइंग कैपेसिटी हमारे एसेट्स वगैरह कैसे हैं और उसके हिसाब से वो प्रीमियम सेट करेगी तो ऐसा भी हो सकता है डी टेरिफिकेशन के बाद कि अगर एक पर्सन ए दो अलग अलग कंपनीज से इंश्योरेंस ले रहा है सेम इंश्योरेंस ले रहा है ठीक है सेम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है सेम कवरेज की दोनों इसको अलग अलग प्रीमियम चार्ज करें क्योंकि दोनों अपने अपनी रिस्किली एक्सेसिबिलिटी के साथ इसको जो है प्रीमियम चार्ज करेंगे उसके बाद अगर आप देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वॉल्यूम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में सबसे ज्यादा चेंज यूरो जोन में देखने को मिला था जो यूरोपियन कंट्रीज वाला जो एरिया ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला था 2021 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड एवरेज इसके अंदर 4.5 परसेंट था यानी कि साढ़े चार परसेंट से जो परसेंटेज ग्रोथ आपको देखने को मिला लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर तो जो ग्रोथ था वो टू पॉइंट सिक्स परसेंट था ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज चेंज या इंक्रीज देखने को मिला वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में था इंडिया जैसी इकोनॉमीज में चाइना को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया परसेंटेज थोड़ा वर्ल्ड का याद रख लीजिएगा जो इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली हाइलाइटेड है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में फोर और नॉन लाइफ में आपके टू अगर हम बात करें लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट की दुनिया में तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लार्जेस्ट रैंक पहले भी लार्जेस्ट था और अभी भी ये लार्जेस्ट के ऊपर ही है ओके okay? एंड अगर आप यूएस में देखते हो तो जो टोटल प्रीमियम अमाउंट है लाइफ और नॉन लाइफ का मिलाकर के वो टू ट्रिलियन डॉलर्स का था ठीक है तो काफी बड़ा अमाउंट है और इकोनमी साइज से भी बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस मार्केट का है एंड इसके बाद यूएस के बाद जो लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट आ जाती है दुनिया में नंबर दो पर है चाइना और नंबर तीन पर है जापान इस तरह के पॉइंट्स जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर स्पेसिफिकली हाईलाइटेड हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके इंश्योरेंस के लिए क्योंकि काफी हाई चांसेस हैं कि देखो इंश्योरेंस में से एपीएफसी का जो हमने पेपर पिछली बार देखा में तो क्वेश्चन ही नहीं आने इंश्योरेंस के सिलेबस में ही नहीं है और एपीएफसी में भी दो तीन चार क्वेश्चन ज्यादा जाद से ज्यादा तीन चार क्वेश्चन नहीं है हमें तो अल्टीमेटली बाकी तो देखो यूपीएससी इज गॉड एंड अल्टीमेटली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट पता चले दस क्वेश्चन भी डाल दे क्योंकि कहीं पर उसने लिखा तो है नहीं कि इंश्योरेंस में से मैं दो ही क्वेश्चन पूछूंगा तो अल्टीमेटली ये वाला जो डोमेन है ना जो भी हम देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे इंश्योरेंस देखेंगे तो इनको तो बहुत अच्छे से कर मार्केट की तो इंडियन इंश्योरेंस मार्केट की बात करें तो इंडिया में इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो पेनिट्रेशन है ना इंश्योरेंस की वो इंक्रीज हो रही है स्टेडीली इंक्रीज हो रही है ठीक है टू पॉइंट सेवन परसेंट के अराउंड था जो हमारा पेनिट्रेशन था 2.7 यानी कि जो सेवन परसेंट का हम इंश्योरेंस में कवर कर रहे थे जब आपका, आप बेसिकली, जब आपका आपका शुरू हुआ था and 2020 तक आते-आते ये हो गया है, जो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस का तो ये याद रखना है आपने जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डायरेक्टली हाईलाइटेड है और 2021 में भी इट वाज अराउंड सेम 4.2 परसेंट

थ्री पॉइंट टू परसेंट का यानी कि अगर हिंदुस्तान में सौ लोग रहते हैं तो थ्री पॉइंट दो जो लोग हैं उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस सौ में से तीन दो ने लाइफ इंश्योरेंस का किसी ना किसी तरह का प्लान लिया हुआ है लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है ना वो सेविंग लिंक्ड होते हैं हमारे यहाँ पर बिकता ही सेविंग लिंक्ड है सरकार ने भी शुरू में इसको बड़ा इंकरेज किया मैंने आपको इंश्योरेंस की जब हम हिस्ट्री देख रहे थे तब मैंने आपको शायद ये पॉइंट कराया भी था कि सरकार को तो मजा आ रहा था सेविंग लिंक्ड में सरकार को मजा क्यों आ रहा था क्योंकि जो लोगों के पास पैसा पड़ा था इंश्योरेंस कंपनियां सरकारी थी अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनियों के पास जो पैसा आ रहा था वो सरकार फिर अपने लिए यूज कर पा रही थी अपने फाइव ईयर प्लान को फाइनेंस करने के लिए यूज कर पा रही थी तो अभी भी अगर आप देखोगे ज्यादातर जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं ना इंडिया में वो सेविंग लिंक्ड होते हैं उनमें एक सेविंग एलिमेंट होता है आप देखते हो फोन आता है आपको इंश्योरेंस कंपनी का सर आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो पांच साल बाद आपको डबल मिल जाएंगे ठीक है है ट्रिपल मिल जाएंगे वही यही, यही चीज को प्रमोट करते हैं जनरली प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस तो हमने बोल दिया कि ट्वाइस है इमर्जिंग बट फिर भी जो रिस्क एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है प्री प्रीमे डेथ के केस में ठीक है क्योंकि ज्यादातर जो प्लान है वो सेविंग लिंक्ड प्लान है ओके

तो 2001 में 11.1 डॉलर था मतलब आप ये लगा लो एक तरीके से पर कैपिटा जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा था देश में वो 11.1 डॉलर था 2001 में 2021 में बढ़कर के 91 यूएस डॉलर हो चुका है ठीक है 91 ये हम लाइफ और नॉन लाइफ दोनों ओवरऑल बात कर रहे हैं अगर आप स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस की देखते हो तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो डेंसिटी है वो 69 यूएस डॉलर्स की है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में ये ट्वेंटी टू डॉलर की है अब यूपीएससी देखो डायरेक्टली तो मे बी ना भी पूछे ठीक है डायरेक्टली ना पूछे वो स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि भाई जो डेंसिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है इंश्योरेंस डेंसिटी जो है कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस के लिए दैट इज मोर देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस या स्टेटमेंट को वाइस वर्सा फॉर्म में वो कोट कर सकता है तो उसके इस में आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है ठीक है स्टेटमेंट दे सकता है कि इंडिया के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इमर्जिंग मार्केट्स या वो ये भी लिख सकता है लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो इंडिया में है वो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है स्टेटमेंट सही है या गलत है तो इस तरीके से चीजों को दिमाग के अंदर रखना है ओके okay, उसके बाद ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरर्स ठीक है विद इन एंड विदाउट आउटसाइड इंडिया बेसिकली इसमें हम क्या बात कर रहे हैं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंसिस है उसके अंदर जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम यानी कि जो टोटल प्रीमियम पे हो रहा है उसके अंदर ग्रोथ टेन पॉइंट एट परसेंट का देखने को मिला दस पॉइंट एट से बेसिकली प्रीमियम पेमेंट बढ़ा ठीक है और ज्यादातर जो ये नॉन लाइफ सेक्टर के अंदर प्रीमियम पेमेंट बढ़ा इसमें जो मेजर इंक्रीज देखने को मिला वो था हेल्थ और मोटर सेगमेंट में हेल्थ सेगमेंट को तो वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस को तो बहुत ज्यादा बूस्ट मिला ना कोविड के बाद उसके बाद क्लेम्स भी हाईलाइट किए गए सर्वे के अंदर तो नेट जो क्लेम्स थे नॉन लाइफ इंश्योर के वो अराउंड 1.4 लाख करोड़ के थे फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के अंदर ठीक है एंड इसका जो मेजर रीजन था पर कैपिटा इनकम का बढ़ना नए नए प्रोडक्ट्स कस्टमाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अच्छे हुए हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला वो था टेन ठीक है नॉन लाइफ लाइफ के के अंदर के अंदर पॉइंट और 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 इकोनॉमिक सर्वे ने एक किया कि जो ज़्यादातर नया बिजनेस वो, वो हो रही है देखो न्यू बिजनेस ने फोर्टी फाइव परसेंट प्रीमियम कलेक्ट किया टोटल प्रीमियम जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने रिसीव किया उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 22 में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अराउंड 5.02 लाख करोड़ के बेनिफिट्स को पे किया एंड इसमें से 5.02 में से, से सिर्फ 8.3 जो है वो डेथ क्लेम्स थे क्योंकि ज्यादातर बाकी के हैं जो सेविंग लिंक है उसके बाद क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट अब इंडिया के अंदर मेच्योर हो रही है और इसी वजह से सरकार को भी ऐसा लगने लगा कि यार एक मेच्योरिंग इंश्योरेंस मार्केट के अंदर हम अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली सरकार ने एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 लेकर के आए और इसमें बेसिकली क्या एक प्रोविजन रखा सरकार ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर अपना स्टेक 51 परसेंट से कम कर सकती है जिन कंपनीज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक 51 परसेंट से ज़्यादा है वहाँ पर सरकार अपना स्टेक कम कर सकती है 51 परसेंट से भी ज़्यादा यानी कि मेजॉरिटी से बाहर आ सकती है ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंदर था इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखेंगे उसके अलावा आई ने भी कुछ नए रेगुलेशंस वो लेकर के आए तो आई

इसके अंदर बेसिकली अगेन माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की जो इंकरेजमेंट है उसको रखा गया अब इन रेगुलेशंस को अभी हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे अगर जो आई के सिर्फ नॉट ओनली दीज रेगुलेशंस आई बी आल्सो गोइंग इनटू सम अदर रेगुलेशंस उनकी मैं स्टडी करूंगा आई हैव नॉट स्टार्टेड येट स्टडिंग दम इन डिटेल मैं इनकी स्टडी करूंगा एंड फिर अगर इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके एक आ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर के आएगा तो उसको फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स को हाईलाइट किया और उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है जितना अभी अभी तो जितना सर्वे के अंदर था सिर्फ उतना हम देखेंगे क्योंकि आई डो नॉट वॉन्ट कि हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेल फोकस हमारा रहना चाहिए ना कि स्पेसिफिकली ये चीज इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हाईलाइट वो क्वेश्चन ऐसे ही डालता है यूपीएससी बड़ा चालू है वो फिर फालतू इधर उधर वो भी नहीं भटकता अब देखो स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत योजना के अंदर पांच लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं बेनिफिशियरी फैमिली को ठीक है जो पुअर एंड वर्नरेबल फैमिलीज है जिनको आइडेंटिफाई किया गया अब अचीवमेंट क्या हाईलाइट की ये भी इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टली पेपर के अंदर वो स्टेटमेंट में डाल सकता है तो कहता है कि जब से स्कीम शुरू हुई है 19.7 करोड़ बेनिफिशियरीज को आयुष्मान कार्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं ठीक है और 4.3 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन है कि जो लोग आयुष्मान स्कीम के अंदर एलिजिबल थे उनको हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज शुरू हो गया जिसके लिए अराउंड लाख करोड़ ऑलरेडी ऑथोराइज किए जा चुके हैं अराउंड 28,667 सेवन हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं जिसके अंदर तेरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो ये सारे का सारा डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हाईलाइट था ये 19.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसके अंदर रिस्क कवरेज होता है दो लाख रुपए का फॉर एक्सीडेंटल डेथ ये तो स्कीम हम शायद पहले सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के अंदर डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं दो लाख uh, का जो है रिस्क uh, कवरेज होता है एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाती है और अगर कंप्लीट डिसेबिलिटी होती है केस में दो लाख रुपए और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो एक लाख रुपए तो डेथ और वन पॉइंट जीरो सेवन लाख क्लेम्स को भी डिसबर्स किया जा चुका है ठीक है एक लाख सात हजार क्लेम्स को भी डिस्बर्स किया जा चुका है, है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसके अंदर भी दो लाख रुपए का कवर है ठीक है और इसके अंदर अगेन डेथ केस में ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है 14.4 करोड़ बेनिफिशियरीज एनरोल हो चुके हैं 6.3 लाख क्लेम्स इसके अभी तक सेटल हो चुके हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ये ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सीनियर सिटीजन को एक तरीके से उनको गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करके ठीक है और बेसिकली ये एल इस स्कीम को रन करती है 8.6 लाख इसके अभी तक सब्सक्राइबर्स हैं करोड़ जो है वो through subscriptions किया गया, okay? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फार्मर्स को स्कीम फार्मर्स की इंश्योरेंस स्कीम है क्रॉप डैमेज से जो बेसिकली जो नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क हैं प्री सोइंग हो या पोस्ट हार्वेस्ट हो ओके okay? एंड इसके अंदर टू सेवन सिक्स थ्री पॉइंट नाइन लाख एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी हैं एंड अराउंड टू एट लाख करोड़ के क्लेम्स जो हैं वो फार्मर्स को पे किए जा चुके हैं बस एक ब्रीफ आइडिया मैंने पहले भी आपको बताया ना इमेज बिल्डिंग करनी है इस डाटा में कि अगर वो डाटा स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट पूछ लेता है ना मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स उसके दे चुका हूँ डाटा स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स वो क्या पूछ सकता है अच्छा मैं सोच रहा हूँ ना जैसे आपका जो कॉम्बो कोर्स है ना उसके अंदर ना मैं ना कुछ क्वेश्चन ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के डाल दूंगा जो लॉ वाला प्लेलिस्ट है ना इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इले, रिलेशन वाली जो एमसीक्यूज है एक आधा टेस्ट ऑडिट और्डिट, ऑडिटिंग का भी बना करके डालूंगा तो वो आप वहां से कर लेना जिन्होंने भी कॉम्बो कोर्स लिया अभी एक दो दिन लगेंगे उसको डालने में ठीक है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट फिर से आ जाओ अब इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो ग्लोबल लाइफ प्रीमियम्स है ना इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा 2022 के अंदर 2021 में रिकवरी देखने को मिली मत जब दो में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से और कंट्रीज में जो मॉनेटरी टाइटनिंग देखने को मिली है साथ ही साथ लोगों की सेविंग्स भी कम हुई हैं ठीक है क्योंकि मार्क जो डिस्पोजेबल इनकम है महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की बचत कम हो गई है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी है ठीक है बट अगेन कोविड नाइन्टीन की वजह से जो रिस्क अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं लाइफ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स को एक हेल्प तो मिलेगी एक इंस्टीट्यूट को भी पर पर की रैंकिंग्स को भी इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया दैट इज ये इंस्टीट्यूट ठीक है ये एक रिपोर्ट निकालते हैं वर्ल्ड इंश्योरेंस इन्फ्लेशन रिस्क फ्रंट एंड सेंटर रिपोर्ट ठीक है इसमें इन्होंने क्या बोला इस इंस्टीट्यूट ने कि इंडिया जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट है दुनिया का ठीक है वन ऑफ़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट है टेंथ लार्जेस्ट है ग्लोबली एंड सेकेंड लार्जेस्ट है इमर्जिंग मार्केट्स में फर्स्ट तो चाइना ठीक है एंड साथ ही साथ इंडिया जो है 2032 तक ये रिपोर्ट बोलती है कि वन ऑफ द टॉप सिक्स इंश्योरेंस मार्केट्स बन जाएगा इनफैक्ट हम जर्मनी कैनेडा इटली और साउथ कोरिया को पीछे छोड़ देंगे by 2032. Next up, हम बात करेंगे FDI की की के अंदर तो FDI की अगर हम दोस्तों बात करें FDI की अगर हम दोस्तों बात करें तो एफडीआई सीलिंग uh, को भी रेस किया जा चुका है इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर ऑटोमेटिक रूट में पहले 49 परसेंट था अब 74 परसेंट कर दिया है ठीक है साथ ही साथ सरकार ने यह भी बोला है कि ट्वेंटी परसेंट फॉरन इन्वेस्टमेंट एल आई सी के अंदर अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ठीक है ये पॉइंट याद रखने है बेटा ट्वेंटी परसेंट एल आई सी में और हंड्रेड परसेंट एफडीआई परमिटेड है इनकेस ऑफ इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जिसमें आपके इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म आ जाती है ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं री इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स एजेंट्स थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉस असेसर्स ठीक है तो इन सब के केस में 100% परसेंट एफडीआई है और ये आई के ऊपर छोड़ा गया कि वो ऊपर नीचे कर सकती है ठीक है नेक्स्ट फाइनली कुछ इनिशिएटिव्स जो आईआरडीएआई के हाईलाइटेड थे इकोनॉमिक सर्वे में इन फाइनेंशियल ईयर 2023 थ्री okay? ओके तो so, आई ने बोला कि यार जब हिंदुस्तान के सौ साल पूरे होंगे ना आजादी के टू के अंदर तो हमें एक एजेंडा लेकर के चलना है कि हर इंडियन के पास अप्रोप्रिएट एक इंश्योरेंस कवर हो उसकी लाइफ उसकी हेल्थ उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और उसी को ध्यान में रखते हुए आई ने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए जैसे कि इजी एंट्री इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर ओके तो बेसिकली जो इंश्योरेंस इंश्योरर है उसकी एंट्री या उसके इनकॉर्पोरेशन को इजी यहां पर किया गया है ठीक है एक सिंगल इन्होंने सिंगल विंडो एनओसी पोर्टल बना दिया जिससे आप जो इंश्योरर है वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सकता है इन टाइमली मैनर बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म को अवॉइड करने के लिए क्विक लॉन्च ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तो इसके अंदर अब क्या है जो इंश्योरर है ना जो भी हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं और ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उनके लिए अब उनको आई आई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है तो वो मार्केट के अंदर जो है क्विकली अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं पहले हर प्रोडक्ट के लिए आई से परमिशन लेनी पड़ती थी उसके बाद ऑफ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी यहाँ पर किया गया। कम किया गया बर्डन कम है IRDI ने जो वगैरह फाइल करनी होती थी तो अराउंड सेवेंटी रिटर्न को रैशनलाइज करके वो सिंगल रिटर्न में ले आए हैं रिपील किया है बहुत सारे सर्कुलर्स को अपने इंडस्ट्री को इम्पेटस इंडस्ट्री की ग्रोथ को इम्पेटस प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की गई है ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है साथ ही साथ जो नीड्स हैं इंडस्ट्री की जो डायनेमिक नीड्स हैं उनको एड्रेस करने की आई आर कोशिश कर रहा है ठीक है ताकि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एड ऑन हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल इंश्योरस हैं उनको परमिट किया गया है कि वो मोटर इंश्योरेंस सच एस पे पे एज़ यू ड्राइव पे हाउ यू ड्राइव इन सब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बेसिकली लेकर के वो आ रहे हैं ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ आई दैट वर हाइलाइटेड इन टू द इकोनॉमिक सर्वे एंड डन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वेयर इन रिलेशन टू इंश्योरेंस इन योर इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में से अभी हम और भी चीजें निकालेंगे नॉट स्पेसिफिकली फॉर इंश्योरेंस बट अदर सेक्टर जैसे हेल्थ के लिए निकालेंगे हेल्थ के लिए क्या क्या उसके अंदर हाईलाइट किया गया वो सब भी देखेंगे वो हम सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया वाली प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर बनाकर डालेंगे अब आई होप आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जहाँ पर भी आप मेम्बर हो टेलीग्राम के अंदर व्हाट्सएप के अंदर फेसबुक के अंदर चैनल को शेयर करो ठीक है बिकॉज यू आर द वंस हु विल मेक दिस चैनल रीच थाउजेंड्स एंड लैक्स ओके सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी डाउट हो कमेंट करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं मेल कर सकते हैं ठीक है टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप बात कर सकते हैं चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय